शीशा बोलता सच। जदों ब्यूटीफुल सिटी की गल करी दी है तो अपने आप मूँह चो निकलता चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के दिल वजों जाना जाता सैक्टर 17। अज असी सैक्टर 17 विच खड़े हैं। चंडीगढ़ च सुखना झील, चंडीगढ़ च रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ च रोक गार्डन और चंडीगढ़ नूं हुण ते पार्कों वाला शहर भी कहा जाता है। इहदे नाल दी नाल चंडीगढ़ कई मुसीबतां विच भी घिरता जा रहा। इस चंडीगढ़ की पिछले 5-7 साल तो एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम यह है कि जिहड़ा कूड़े का ढेर हर साल 100 डडू माजरे का हर साल उसे 100 करोड़ रुपया अलॉट किया जाता है, पर ढेर उदा ही खड़ा। हर एडवाइजर यह कहना जी असं इस साल खत्म कर देंगे, इस साल खत्म कर देंगे, पर मैनू नहीं लगता 3 एडवाइजर जा चुके हैं, वो ढेर उदा ही खड़ा है। पिछले कुछ सालों चो मैं देख रहा कि जिहड़ी कारपोरेशन है वो फैसिलिटेटर बनने की जगह लोगों को तंग ज़्यादा करना शुरू करता। 9 साल हो गए बीजेपी के इतने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने, पिछले 7 सालों तो इन्हों के मेयर ने, कारपोरेशन के विच इन्हां दी मेजोरिटी है। और तुसी ये नहीं कि अज भी तुसी कहो जी नहरू जी जिम्मेदार हैं जी, 70 साल पुराने जी, कुछ नहीं होया देश के विच। लोग कहते असी किहड़े शहर च घूम रहे हैं, कित्थे रह रहे हैं, लोगों को लगता कि असी डंपिंग ग्राउंड दे विच रह रहे हैं। हर साल नवा चेयरमैन आता है, वह नवी पॉलिसी लिया, एक पॉलिसी क्यों नहीं फ्रेम की जाती कि लोगों को पता लगे कि असी इन्ना ही घर बना सकते हैं, इस तो असी बाहर नहीं जा सकते। हर साल हर लोगों को नोटिस देते हैं, कभी कोठियां तोड़ी जाते, कभी मकान तोड़ जाते। मैं पहली बार हैरान हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कितने नहीं कहता कि तुसी शेयर वाइज रजिस्ट्री नहीं करा सकते, तुसी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नूं डिसकरेज करना, देयर आर सो मेनी अदर वेज, पर तुसी शेयर ट्रांसफर नूं किवें रोक सकते हो। बड़ा ही नादरशाही फरमान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का आया। कैमरे के ड्रोन चला के देखे जा सकते हैं, पर एक जो देखा जाए ये लगता नहीं चंडीगढ़ का निरादर है। सारे लोग इदा ये तुर रहे हैं, थले ना लिखा कि पिंड का ना लिखा ज जिहड़ी भी विरासत है। GST आता है, टैक्सिज आता है, जी लिकर पॉलिसी, हरेक चीज़ 8,000 करोड़ रुपया साल इकट्ठा होता चंडीगढ़ से। कि कुछ चोजन व्यू इतने समझते हैं, 4-5 लोग अपने आप को शहर का ठेकेदार समझते। एक 10 मरले के घर के अच्छे 6 कारा खड़ी हैं, वो कितने खड़े करेगा? जाता लाइक सिंगापुर कोई पॉलिसी बना देना कि बंदा गड्डी ले सकता या नहीं ले सकता, तो सेल तुसी करी जा रहे, तुसी लोगों कह रहे गड्डी नहीं कड़ी, मेन जगह तो रोको ना, उन्होंने तुसी रोक नहीं रहे, तुसी लोगों को तंग कर रहे हो, तुसी इत्थे गड्डी खड़ी नहीं कर सकते। किन्नी बिल्डिंग्स ने, कमर्शियल बिल्डिंग्स ने, जिहड़ियां रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ने, जिन्हां नूं नोटिसस मिले हुए हैं। इदां ही तुसी कॉलोनीज़ दे विच आ जाओ, कॉलोनी दे विच गरीब बंदा बेचारा वो अपने एक छोटे जिहे कमरे दे विच रह रहा, माड़ा जिहा कुछ करदे ढाण उहनूं पहुंच जांदे ने। 280 करोड़ रुपया कैमरियां ते लाता, किसी बंदे ने RTI च पाया कि 70% कैमरे बंद पे। मैं तां समझदा कि इस तों ज़्यादा जिहड़ी बेकदरी नहीं हो सकती। अज के टाइम पार्किंग इन्नी अच्छी बनती है, तुम 4 फ्लोर थले लै गए हो पार्किंग, ना उत्थे कोई गड्डी ले जा सकता, ना कोई उत्थे लेट जाए, कभी लिफ्ट खराब है, कभी उत्थे पानी इकट्ठा हो जाता है थले। आ तुसी देखो 23 सैक्टर की मार्केट चले जाओ, तुसी 11 की चले जाओ, अगर तुसी शोरूम देखोगे उत्थे इट्टां दे कबूतरखाने बना रखे हैं। ठीक है, भी मैं रिक्वेस्ट करांगा मैनेजमेंट की जाए, एक सिस्टम नूं अडोप्ट किया जाए कि आपा चलान सिटी ना बनाया जाए, इनू चलान सिटी डिक्लेयर करता लोगों ने कि तुसी बिलीव करोगे जदों दा 280 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया 60 करोड़ दे इन्होंने चलान करते हैं लोगों ने। जदों ब्यूटीफुल सिटी की गल करी दी है तो अपने आप मूँह चो निकलता चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के दिल वजों जाना जाता सैक्टर 17। अज असी सैक्टर 17 विच खड़े हैं। चंडीगढ़ च सुखना झील, चंडीगढ़ च रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ च रोक गार्डन और चंडीगढ़ नूं हुण ते पार्कों वाला शहर भी कहा जाता है। खूबसूरत खूबसूरत कई तरह दीआं चीज़ां देखण वालीआं ने, पर इहदे नाल दी नाल चंडीगढ़ कई मुसीबतां विच भी घिरता जा रहा, भावें वह पार्किंग की होवे, भावें ट्रैफिक की होवे,
इस तरह भावें सफाई की होवे तो भावें होर कई तरह के मुद्दे ने आप चर्चा करांगे। ये चर्चा करने लई असी अज चंडीगढ़ के जिहड़े तीन मोतबर जिहड़े कह सकते हैं नेता कह लो जां प्रतिनिधि जिहड़े है उन्हां नूं सैक्टर 17 च बुलाया। एक ने एच एस लक्की जिहड़े चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान ने, तो इस तरह नीरज बजाज जी जिहड़े व्यापारियों के वड्डे लीडर ने, सैक्टर 17 के धुरे मन्ने जांदे ने, और बलजिंदर बिट्टू जी जिहड़े चंडीगढ़ के सैक्टर 17 दीआं सारीआं रेजिडेंट्स एसोसीएशन ने उन्हां दी एक फैडरेशन है, उहदे चेयरमैन ने। सारिआं नूं जी आया जी। सब तो पहले बिट्टू जी तुहाडे नाल गल करदे क्योंकि तुसीं सारे सैक्टरां दे लोकां नाल जुड़े जे। जे मुख तौर पर देखा जाए, वैसे तो ब्यूटीफुल सिटी है, चंडीगढ़ का मुकाबला भी कोई नहीं गा, पर जे सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी तुहानूं दिन रात सतांदी है तो उह किहड़ी है? त्रिलोचन जी, पहला तो मैं थोड़े चैनल का बहुत स्वागत करता है कि तुसी ये मुद्दे चकते रहते हो शहर के। तो ये चंडीगढ़ की पिछले 5-7 साल तो एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम यह है कि जड़ा कूड़े का ढेर हर साल 100 डडू माजरे का हर साल उसे 100 करोड़ रुपया अलॉट किया जाता है, पर ढेर उदा का उदा ही खड़ा। हर एडवाइजर यह कहना जी असी इस साल खत्म कर देंगे, पर मैनू नहीं लगता 3 एडवाइजर जा चुके ने, वह ढेर उदा का उदा खड़ा है। असी पिछे गवर्नर साहब नूं भी लिख के दिता कि हर वारी सुभाषण दवाया जाता है क्यों ये जो ढेर है शाम नूं सारे शहर के स्मैल च कन्वर्ट हो जाता है, हर सैक्टर के स्मैल आती है। लोग कहें असी किहड़े शहर च घूम रहे हैं, कित्थे रह रहे हैं, लोगों नूं लगता कि असी डंपिंग ग्राउंड के रह रहे हैं। मैं ये सब तो वड्डा मुद्दा समझदा। बाकी जिहड़े हाउसिंग बोर्ड जिहड़े अपना शहर है लाइक कोठियां का जिवें अजकल कह रहे हैं जी परसेंटेज वाइज आप नहीं कर सकते जिवें 1 तो 30 सैक्टर, ये लॉ नहीं है शेयर, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। मैं अपनी प्रॉपर्टी किनू मर्जी दे दवां, मैं विल कर दा, मैं लक्की जी नूं दे दा, मैं बजाज साहब नूं दे दा, तुहानूं दे दा, मेरा राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इहनू कोई नहीं चेंज कर सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं चेंज कर सकती। एक टाइम पास किया जा रहा है कि लोगों को तंग किया जा रहा है, इदा ही हाउसिंग बोर्ड की प्रॉब्लम है। मैं कहना एक पॉलिसी फ्रेम कर दो, हर साल नवा चेयरमैन आता है वो नवी पॉलिसी लिया, वन एक पॉलिसी क्यों नहीं फ्रेम की जाती कि लोगों को पता लगे कि असी इन्ना ही घर बना सकते हैं, इस तो असी बाहर नहीं जा सकते। हर साल हर लोगों को नोटिस देते हैं, कभी कोठियां तोड़ी जाते, कभी मकान तोड़े जाते हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं जो चंडीगढ़ आया 1983 तो कहा जाता से भी चंडीगढ़ च मक्खी मच्छर जड़ा आ लभ्या नहीं लभदा, अज साडे माइक तो नहीं उठता, ये की कारण? सर इहदा एक बहुत वड्डा कारण है कि असी कहने MC बहुत काम कर रही है, MC कोई काम नहीं कर रही, वो सिर्फ पैसा वंडिया जा रहा है कि आ सफाई वास्ते 5 करोड़ रुपया देता, इन्हों 3 करोड़ रुपया देता। वो जी हार्ड अर्निंग मनी है ना साडे सैक्टर शहरां दी, उन्हूं खराब किया जा रहा है। चंडीगढ़ के 8,000 करोड़ रुपया साल इकट्ठा होंदा, तो चंडीगढ़ तो मैं कहना टैक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, सरकार को इन्ना पैसा आता है, फिर कितों आ जाता 8,000 करोड़? GST आता, टैक्सिज आ जी, लिकर पॉलिसी, हरेक चीज़ 8,000 करोड़ रुपया साल इकट्ठा होंदा चंडीगढ़ च, ये चंडीगढ़ च कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। ये तो लोग बजाज साहब ने गल कर लेने क्योंकि 8,000 करोड़ व्यापारियों का बड़ा वड्डा योगदान होगा। बजाज जी, चंडीगढ़ को कहा जाता है, पहलों कहा जाता है बाबूआं का शहर है, पर हुण नाल ये भी जोड़ लिया जाए भी ये व्यापारियों का शहर है, मुलाजम व्यापारी हुण तो सारे ही आ गए ने इत्थे, मुख्यमंत्री भी रहिंदे ने, गवर्नर भी रहिंदे ने, मंत्री संतरी सारे रहिंदे ने। नीरज बजाज की महसूस करते हैं भी सब तो वड्डी समस्या की है चंडीगढ़ की अज? देखो जी, चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर है, इस सुंदर शहर के सैक्टर 17 होर भी ज़्यादा सुंदर बनाया गया, और इत्थे जिस तरह टूरिस्ट आता है वह सारे शहर जिस वे घूमता है वो किधरे रोज़ गार्डन जाता है, रॉक गार्डन जाता, लेक तो जाता है, सारे दोपहर में लोग जाते है, लेकिन अगर इवनिंग अगर कोई जगह देखने वाली है तो वो साड़ी सुंदर मार्केट जी है यही देखने वाली हैं। तो इस मार्केट के वैसे बहुत कुछ डिवेलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरीके की डिवेलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी जी जरूरत हैगी है
वो अगर इत्थे दे व्यापारियों नूं मिल के या उत्थे दे जिहड़े लोकल लोग है उन्हां दी सुजैशन नाल लई जाए तो इहदी डिवेलपमेंट होर अच्छी हो सकती है। और उहदे च मैं समझदा कि प्रशासन का खर्चा भी घट आएगा अगर उहनूं आपां सही तरीके, क्योंकि चंडीगढ़ ना इत्थे कोई इंडस्ट्री है ना कोई इत्थे होर कोई है, इत्थे इस तरीके का बिजनेस है। हुण लोग जिहड़े हैगे आ इत्थे जिस वेले सैर करन आउंदे आ घूमन आउंदे हैगे आ तो उस शहर के बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी है कि अच्छे फूड रेस्टोरेंट होन, अच्छी चीज़ा होन। जिस वे चंडीगढ़ बनया उस टाइम फूड रेस्टोरेंट की कोई जी जरूरत सी वो पूरी नहीं की गई, कि जिन्ने स्पेस चाहिए सी या कुछ है सी वो नहीं सी। हुण उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ी जगह सी मान लो 26 सैक्टर है 7 सैक्टर है वड्डे शोरूम है उत्थे लोगों ने जरूरत के हिसाब नाल रेस्टोरेंट बना ले। वो बेसिक नीड है उस रेस्टोरेंट दे विच अगर तुसीं देखो ते लोग जो बाहर NRI आते हैं या आस पास की लोग जगह आते हैं या किसी भी जगह का टूरिस्ट आता है वो उस रेस्टोरेंट से इंजॉय करते हैं। और कोई भी शहर किसी भी जगह तुसी दुबई सिंगापुर हांगकॉन्ग जो भी जाओ वो शॉपिंग फेस्टिवल जरूर करते हैं, वो शहर की ग्रोथ बढ़ती हैगी है। चंडीगढ़ च बेसिक नीड है इत्थे शॉपिंग फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज कराए, इत्थे दे रेस्टोरेंटां नूं प्रमोट किया जाए ना कि उन्होंने आपां उहदे ते इहो जिहे वायलेशन दी करिए। वायलेशन अगर कोई हैगी है उहदे कोई इहो जिहा रस्ता बनाया जाए। एक दिमाग 'च गल आ रही है होटल इंडस्ट्री जिहड़ी पिछले लंबे समय तो इस लई बहुत परेशान है चंडीगढ़ दी, भी चंडीगढ़ 'च शराब पी के गड्डी चलाउणी जिहड़ी है बड़ा वड्डा क्राइम मन्निया जांदा, थां थां ते नाके लगदे ने, ये आले दुआले पंचकूला मोहाली जां होर पंजाब च किते नहीं लगते। तो जिन्हां ने पार्टियां करनियां हुंदियां वो फिर सोचते या चंडीगढ़ थी थां ते पंचकूले जां मोहाली होर किते कर लो, ये नाल भी नुकसान हो रहा। देखो जी मैं इस गल दे बेसिक हक विच नहीं हाँ कि शराब पी के लोग गड्डियां चलान और किसी तरीके का एक्सीडेंट होन उहदे च किसी दी जिस वेले जान जांदी है कुछ है इस तरह के जिहड़े है कि इस चीज़ के हक च नहीं है। कि अगर मान लो आप फॉरन च जाने उत्थे लोग अगर पार्टी जाते हैगे तो उहदे च उह ड्राइव करदा जिन्हें ड्रिंक नहीं की होंदी, तो अगर इस तरीके की कोई प्रमोशन होंदी है वो होनी चाहिए है। अगर लोग कोई ड्रिंक की है वो टैक्सी कर सकता है, होर बड़े साधन हैगे है। और जिहड़े नाके लगते हैगे है उस नाके नूं अगर आपां रोकण दी गल करिए तो मैं समझदा कि शायद आपां सिर्फ रेस्टोरेंट दे फेवर दी गल करांगे, बाकी समाज दे वास्ते साडी सोच जान दा नुकसान हो सकदा। लक्की नाल गल कर लईए, लक्की जी तुहाडी पार्टी ने तुहाडे MP लगातार संसद मैंबर बनते रहे, दिल्ली च मंत्री भी रहे, इस तरह BJP इत्थे राज करदी रही, जो कुछ ये प्रॉब्लम दस रहे है पहली गल तो भी उहदे जिम्मेवार कौन ने, तो तुसीं कीहड़ी वड्डी प्रॉब्लम समझदे जे चंडीगढ़ दी? तरलोचन जी पहला तो मैं थोड़े चैनल नू समर न्यूज़ नू बधाई देना चाहना, थोड़े नाल बड़ी देर दी मेरी परसनल एसोसीएशन भी है, जब तुसी पंजाबी ट्रिब्यून दे विच इत्थे वधिया काम कीता शहर दियां बहुत इशूज़ नू चक्किया। और मैं चंडीगढ़ शहर का जंपल होने के नाते बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़ और सैक्टर 8 च जन्म होया, अज भी सैक्टर 8 च रह रहा, 49 साल मेरी उम्र होगी। मैं जिवें जिवें मेरी उम्र वधी है मैं इस शहर नू वधदे हुए देखिया, इस करके इस शहर दियां छाइयां नू भी देखिया और इस शहर नू जिहड़ा दा स्तर है उहदे गिरदे हुए स्तर नू भी देखिया। तुसीं ठीक कह रहे हो अज बहुत इशूज़ ने, कॉलोनीज़ दे इशूज़ ने, सैक्टर्स दे इशूज़ ने और व्यापारियों के इशू ने। बिट्टू जी ने तुहानू सैक्टर्स दे इशूज़ बारे दस्सिया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसीएशन दे इशूज़ बारे दस्सिया, नीरज जी ने वड्डे व्यापारी लीडर ने, इन्होंने तुहानू किस तरीके की व्यापारियों की सोच है, की व्यापारी शहर के लोगों तो चाहते हैं, इत्थे दी लीडरशिप तो चाहते हैं, अफसरों तो चाहते हैं, वो सारे बारे जिक्र किया। पर कुछ समस्यावां जिहड़ी बहुत देर तो इत्थे हैगियां ने उहदे बारे मैं जरूर तुहानू जरूर जिक्र करना चाहवांगा। चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन इस करके बनाई सी भी लोगों के जोड़े छोटे छोटे काम है वो मौके पर ही सॉल्व हो जाए, लोगों अफसर के पिछे भजना ना पे, सोहने पार्क डेवलप होन, स्ट्रीट लाइट्स लगन, वधिया सिस्टम बने, माहौल बने, लोगों लगे कि लोकल गव जी सैल्फ गवर्नमेंट है उन्होंने बन गई, उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि है वो बन के गए हैं। पर पिछले कुछ सालों चो मैं देख रहा कि जी कॉरपोरेशन है वो फैसिलिटेटर बनने की जगह लोगों तंग ज़्यादा करना शुरू करता, जगह रोज़ नवे टैक्स लाए जाते हैं, पानी दे रेट इन्ने वधाते, जिम्मेवार कौन है?
एच एस लक्की अरुण सूद जां आम आदमी पार्टी दे प्रेम गर्ग जिहड़ी मौके दी सरकार हुंदी उहदी जिम्मेवारी हुंदी है। 9 साल हो गए बीजेपी दे इत्थे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने, पिछले 7 सालां तों इहनां दे मेयर ने, कॉरपोरेशन दे विच इहनां दी मेजोरिटी है। और तुसीं इह नहीं कि अज वी तुसीं कहो जी नहरू जी जिम्मेदार हैं जी, 70 साल पुराना है जी, कुछ नहीं होया देश दे विच। हालिका इह जिहड़ा शहर है इह वी नहरू जी दी देन है, उहनां दे वल्लों वसाया गया सी, इह सोच के बनाया सी कि इक मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया दा जिहड़ा सिंबल बनेगा चंडीगढ़ शहर, और बनिया वी। लोग इत्थे आ के वसे, लोग इसी करके इत्थे आके वसे, लोगों को लग्या कि यार एक मॉडर्न सिटी है, इत्थे आके रवांगे, साड़ी जिहड़ा लाइफ का स्तर है वह भी वधेगा। पर इत्थे आके नहीं पता सी प्रॉब्लम्स इन्नी हो जाणगियां। हुण जिस टाइम डिजाइन किया गया सी ली कॉर्बूज़िए वालों, अच्छे आर्कीटेक्ट सी, चंगी सोच सी, पर मैं ये समझदा कि वक्त के नाल जिहड़ियां चीज़ां बदलनियां चाहीदियां। हुण हैरीटेज के नाम पर इस शहर के अंदर रोज़ नवी पाबंदी ला दी जाती है। बिट्टू जी ने जिक्र किया शेयर वाइज रजिस्ट्री का, मैं पहली बार हैरान होया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कितने नहीं कहता कि तुसी शेयर वाइज रजिस्ट्री नहीं करा सकते, तुसी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नू डिसकरेज करना, देयर आर सो मेनी अदर वेज, पर तुसी शेयर ट्रांसफर नू किवें रोक सकते हो। बड़ा ही नादरशाही फरमान चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का आया, असी सारिया ने वपारियां ये नहीं लगता भी इत्थे मातड़ बंदा जिहड़ा मीडियम वर्ग का बंदा रह ही नहीं सकता। फिर मैं उही समझदा कि कुछ चोजन व्यू इत्थे समझदे हैं, 4-5 लोग अपने आप नूं शहर का ठेकेदार समझदे हैं, वो सोचते हैं कि असी ही फैसला करांगे कि चंडीगढ़ दे विच कौन रहेगा, किद्दां रहेगा, किस तरीके नाल उठेगा, किस तरीके नाल बैठेगा, जिहड़ा कि एक डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच चंगी गल नहीं है। दूसरा, मैं तुहानूं समस्यावां बारे तुसीं मैनूं पुछिया सी, हाउसिंग बोर्ड दीआं इन्नी समस्यावां, लोग अपने घरां दे विच रह के अगर कोई इंटरनल चेंजेस करना चाहते हैं, अज उहनां दी फैमिली दी नीड है या जिहनूं नीड बेस्ड चेंज कहिंदे आ, अज उह कुछ चीज़ा उहदे हिसाब नाल कर लैंदे आ, उहनूं नोटिसिस ते नोटिसिस दित्ते जांदे आ, फाइन ते फाइन बना दिंदे आ, स्टेट ऑफिस माड़ा जिहा कोई कैबिन कट ले दुकानदार उहनूं आ के नोटिस दित्ता जांदा, फिर लक्खां रुपए उस तों फाइन वसूलिया जांदा, एनओसी नहीं दित्ती जांदी। किन्नी बिल्डिंग्स ने, कमर्शियल बिल्डिंग्स ने, जिहड़ियां रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ने, जिन्हां नूं नोटिसिस मिले हुए आ। इदां ही तुसीं कॉलोनीज़ दे विच आ जाओ, कॉलोनी दे विच गरीब बंदा विचारा, वो अपने एक छोटे जिहे कमरे दे विच रह रहा, माड़ा जिहा कुछ करदे ढाण उहनूं पहुँच जांदे ने। अज जिस तरीके का हालात बने हुए हैं देश के, महंगाई इन्नी वधी हुई है, बेरोजगारी इन्नी वधी हुई है, सारे पासे लोग हाहाकार कर रहे हैं, तुम कहते हो ईज़ ऑफ लिविंग, ये मोदी गवर्नमेंट का एक कंसैप्ट से ईज़ ऑफ लिविंग की गल करते, मैनू तो ईज़ ऑफ लिविंग चंडीगढ़ के नज़र नहीं आती। चलो बिट्टू हुणां नाल गल करदे, बिट्टू जी एक समा सी जदों चंडीगढ़ दीआं सड़कां ते जाईदा सी, पहले साइकिल सी साडे कोल, फिर स्कूटर, फिर गड्डियां आईयां, इदां लगदा है भी यार सड़कां इन्नियां खुल्लियां कादे लई बनातीआं। अज पोजिशन ये है भी ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੰਡਰ ਪਾਸਿਸ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਛ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ, ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ 3 ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਧੋ 4th ਨਾ ਬਣਾਏ ਫਲੋਰ, ਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨ ਥੋਪਣਾ, ਫਾਈਨ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣਾ? ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਨ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ RTI 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 70% ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਪਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ? ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 200-300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ।
नीरज जी तुम चंडीगढ़ के बहुत बड़े व्यापारी जे सिंधी स्वीट के मालिक जे तुम जे आप इधर झाती मारीे जिमें लक्की होना ने कहा आ ये बिल्डिंगा जिहड़ियां कहिंदे हैरीटेज नूं छेड़ नहीं सकते चंडीगढ़ जिहड़ा सैक्टर 17 दे लिया पंजाब चंडीगढ़ का जदों एक टूरिस्ट ये बिल्डिंगा देखूगा तो वह की कहूगा भी ये हैरीटेज आ जां ये कबाड़ बन रही हैं। इस तरह बहुत वड्डी कंस्ट्रक्शन हो रही है इधरले पासे कई कुछ डिवेलपमेंट भी हो रही है तो नाल दी नाल जे आपां देखिए एक बड़े लंबे समय तो ये बंद सी एरिया और ये कहा जाता भी एक नक्शा बनाया चंडीगढ़ का ये बारे ये की है थोड़ा जा ये बारे जानकारी दो। देखो जी ये जिसले बनन लगा तकरीबन 2 साल यह एरिया बंद रहा 2 साल च लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट से कि जो कुछ इतने आने वाला हैगा वो बहुत कुछ डिफरेंट होएगा लेकिन इतने आ के सानू मतलब अज भी आप इतने विच खड़े है समझ नहीं आता कि यह नक्शा जमीन पर बना के की प्रूव करना चाहते क्योंकि जमीन पर इन्ना बड़ा नक्शा ना उन्होंने कोई समझ सकता है ना उन्होंने कोई देख सकता है यह उपर कैमरे के ड्रोन चला के देखे जा सकते हैं पर एक जो देखा जाए ये लगता नहीं चंडीगढ़ का निरादर है सारे लोग इदा ये तुर रहे ने थले ना लिखा कि पिंड का ना लिखा ज जिहड़ी भी विरासत है ये यूज़ की लग रहा तुहानू मैनू लगता है जिहड़ी जिहड़ा सिस्टम बनया है अगर जिस तरह आप कहें कि कभी भी कोई मार्केट के विच या किसी जगह तुसी डिवेलपमेंट करते हो उस एरिए दे लोगों नू जरूर कंसल्ट करो पैसे भी घट होणगे और जरूर बिना जरूरत की कोई चीज़ा जिहड़ियां इहदा जिन्ने कोई पैसे लगे है या जो चीज़ा लगियां जिन्ना टाइम वेस्ट होया है या जिस तरह इत्थे पार्किंग बनी हैगी है अज दे टाइम च पार्किंग इन्नी अच्छी बनदी है तुसी 4 फ्लोर थले लै गए हो पार्किंग ना उत्थे कोई गड्डी ले जा सकदा है ना कोई उत्थे लेडी है कभी लिफ्ट खराब है कभी उत्थे पानी इकट्ठा हो जाता है थले माहौल इन्ना गंदा हैगा अगर तुसी इहो जी चीज़ा बना रहे हो तो वाकई लोगों नू चाहते हो कि लोग इंजॉय भी करन उहदे पैसे जिहड़े लोगों के हैगे है सही जगह तो ठीक जगह पर लगन तो उस तरीके की प्लानिंग होना अच्छ जगह तो तुम बिल्डिंगा की गल कर रहे है अस बिल्डिंगा के जोड़े बार बरामदे है यह बरामदे किसी यूज के नहीं है इतने लोगों ने अपनी जिनी वेस्टेज होंगी है बाहर कोई फर्नीचर रख देंगे कोई कुछ रख देंगे बारिश का पानी इकट्ठा होंगे और पानी जिस वे इकट्ठा होंगे इस बरामदे कोई निकासी नहीं हैगी है ना निकासी होने की वजह न इतने उपर मच्छर पैदा हो रहे हैं मक्खी पैदा हो रहे हैं दिस रही है। एक नीरज जी आ नीलम थिएटर है ये बारे दसो भी ये हैरीटेज भी है तो हूँ तो लगता भी जिमें आ देखो छोटिया छोटिया दुकाना बन गई भी इनू कन्वर्ट ही नहीं कर सकते ये किन्ना क जायज़ गल है। देखो जी ये इस तरह की जड़ी बिल्डिंगा है इन्होंने होर भी जगह चेंज की है लेकिन इस बिल्डिंग नू पता नहीं किस वजह ने लेने ने इस तरह रोकया और जो सैक्टर 17 नीलम चराल अपने आप च एक ब्यूटी मनिया जाता सी अज सब तो वर्स्ट जगह दिखती हैगी है अगर इनू प्रॉपर गवर्नमेंट कोई अपने तरीके प्लान करके इनू सुंदर जहा कोई चीज़ बनाए अगर आप फ्रंट नहीं चेंज कर सकते कोई गल नहीं बैक तो इंटीरियर जी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए है जिते इतने लोग आन और इस जगह का इंजॉय करन अंदर कोई अच्छी जी शॉपिंग एरिया फूड एरिया कोई अंदर छोटे पिक्चर हाल या इस तरह की कई चीज़ें डिवेलपमेंट हो सकती हैं जिड़िया कि काफ़ी साल तो पेंडिंग है नहीं हो रही लकी तुम की कहोगे ये आप पैरों से जो आप चंडीगढ़ में मधोल रहे हैं मैं तो समझदा कि इस तो ज़्यादा जी बेकदरी नहीं हो सकती और जी गवर्नमेंट है ना या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट है जिस MC कह लो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो उन्होंने को ना प्लैनिंग है ना एग्जीक्यूशन है ना मैं समझदा विल पावर है काम करने की ना किसी की इनवॉल्वमेंट करते हैं आ बैठे ने फॉसवैक के चेयरमैन ने बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ने इन लोगों इनवॉल्व करन सानू पोलीटिकल पार्टीज़ को इनवॉल्व करन जिहड़े होर लोकी ने नुमाइंदे ने पब्लिक दे उन्होंने इनवॉल्व करन हाँ हुण तुसीं पिछे बिल्डिंग दिखाई आ तुसीं ऐ लगदा जिवें उजाड़ा पिया होया आ तुसीं देखो 23 सैक्टर की मार्केट चले जाओ तुसीं 11 की चले जाओ अगर तुसीं शोरूम देखोगे उत्थे ऐ इट्टां दे कबूतर खाने बना रखे हैं फ्रंट फसाड अगर चेंज करन की लोड़ है कर दो ना तुसीं अज कंप्यूजर के नाम तो कद तक लोगों करोगे तुम इन सोहनिया बिल्डिंग्स गुड़गांव है तो ही क्यों नहीं किया बड़ी साल तो ही भी राज किया सर हुण 9 साल तो ये राज ने असी मौके पर बहुत चेंजेस करते रहे टाइम टू टाइम करते रहे साढ़े टाइम च किन्नियां चीज़ां बनी लेंटे मॉल वर्गे जगह बनिया होर चीज़ा बनिया इदा ही है 17 भी असी किया एटलीस्ट साफ सफाई सी वधिया सीगा हुण की है कि तुसी सारा शहर च देख लो एक तो कोई सिस्टम नहीं है जे असी लोगों को कहा भी कुछ लोग जोड़े स्ट्रीट वेंडर एक्ट लैके आए वह भी मिसयूज़ किया अज जीरकपुर तो अंबाले तो कोई उत्थों आ के इतने लोग बैठ गए उन्होंने धक्के लसेंस बनाए गए सिर्फ BJP एक पार्टी को जोड़ा फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई मेरा कहने का मकसद है कि तुम कोई भी चीज़ कर दौ हमें
पार्किंग की जिवें इन्होंने गल कर सकता पार्किंग स्कैम एडा वड्डा होया 8 करोड़ रुपया शहर की जनता का लुटिया गया। आर्यन टोल सीगा उस टाइम जिहड़ा हैगा उन्होंने भी लॉयंस कंपनी है जिहड़ी सफाई का ठेका जिहनूं चारों तरफ पैसे की बर्बादी हो रही है। बलजिंदर बिट्टू जी फिर मैं दोबारा उत्थे ही आना चाहुंदा ट्रैफिक ते पार्किंग पार्किंग जिहड़ी है गलियां च सड़कां ते कीती जांदी है निकलना औखा है कई लड़ाई झगड़े होंदे ने ते जिहड़ी ट्रैफिक दी गल है वह तो कन्नां नूं हत्थ लाउण वाली गल है तीजी तीजी लाइट ते वारी आउंदी है और उस तों वड्डी जिहड़ी खतरे वाली गल इह है वी प्रशासन वल्लों कोई उहदा प्रबंध ही नहीं कीता जा रहा। कोई जे अंडरपास बनेगा ओवरब्रिज बनेगा उन्होंने तो कई कई साल लगनगे यह मतलब भी आने वाले समय से ट्रैफिक होर जाम होगी। सर ये थोड़ी बिल्कुल गल ठीक है ट्रैफिक जाम हो रहा है क्यों जिहड़ा इसदे लोड है साड़ी ट्राई सिटी का लोड है मोहाली पंचकूला चंडीगढ़ का क्यों चंडीगढ़ की पॉपूलेशन मैंने नहीं लगता 25,000 तो वध दी है साल की यह सारा लोड है ट्राई सिटी का लोड है और जदों तो लाइट होंगी उदों तो ट्रैफिक वाले खड़े हैं चलान भी कर रहे हैं 15 मिनट लिए भी लाइट चल जाए तो ट्रैफिक वाला कोई बंदा नहीं होंदा। ये जिहड़े अपने शहर जो ट्रैफिक वाले बंदे हैं ना वो सिर्फ चलान वास्ते रखे हैं वो कोई ट्रैफिक मैनेज नहीं करते। एक ये भी मैं रिक्वेस्ट करांगा मैनेजमेंट की जाए एक सिस्टम नू अडॉप्ट किया जाए कि आपां चलान सिटी ना बनाया जाए इनू चलान सिटी डिक्लेयर करता लोगों ने कि तुसी बिलीव करोगे जदों दा 280 करोड़ का प्रोजैक्ट लाया 60 करोड़ के इन्होंने चलान करते हैं लोगों के किदा चलान हो सके 60 करोड़ के ये हूँ कोई बंदा कोई किसी वार्निंग दे दो तुसी ये थोड़ी है तुसी थोप रहे हो लोगों के पैसा लगाया तो 70% सवाल तो यह है भी जे तुसी रोंग पार्किंग का चलान कर दे जे जां ये दस्या जावे भी उस मार्केट च तुसी मुहैया कराई उत्थे पेड पार्किंग जदों पार्किंग है नहीं तो फिर रोंग पार्किंग तो होगी। सारे शहर च सब तो वड्डी पार्किंग की प्रॉब्लम तो है असी पिछले 10 साल तो यही रो रहे हैं जिथे भी पार्किंग हुंदी है उत्थे इन्होंने एंट्री फीस है नॉट पार्किंग सॉरी ये एंट्री फीस है पार्किंग नहीं है जो पार्किंग जिहड़ी है मार्केटां जिहड़ियां ने आपां 35 दी गल कर लईए 34 दी कर लईए वो सड़क ते पार्किंग हुंदी है कोई पार्किंग बनाई नहीं पार्किंग नहीं है जदों लोगों नूं शोरूम अलॉट कीते उह पार्किंग दित्ती है क्यों पार्किंग तो बगैर तो शोरूम नहीं होणगे जदों पार्क शोरूम अलॉट है उदों लोगों नूं दस्या गया तुहाडे वास्ते पार्किंग है अज असीं उहदा पे कर रहे हैं। ये जिहड़ी सरकार भी एग्रीमेंट भी करती है वो एंट्री नहीं वो पार्किंग से एंट्री नहीं लै सकते आफ्टर 10 मिनट वो चार्ज कर सकते हैं वो चार्ज पहला कर रहे हैं पहला ही लाइना लाई जाने पार्किंग इन्ना लक्की होना गल कर लकी ताड़ी पार्टी दौरान ताड़ी सरकार दौरान ताड़ी निगम दौरान पेड पार्किंग लगी सी बिट्टू जी कहिंदे पार्किंग फी पार्किंग नहीं कि ये तो एंट्री फीस है। मैं ये समझदा चलो पार्किंग पेड पार्किंग का मकसद की सीगा भी जिहड़ी है उन्हों ट्रैफिक नू रेगूलेट किया जा सके पार्किंग नू रेगूलेट किया जा सके एक छोटी मोटी फीस लैके साडे टाइम तो 2 रुपए 5 रुपए फीस होंदी सी हुण किन्नी किन्नी 40-40 60-60 रुपए करते सिर्फ जिहड़े इन्हां दे चोजन फ्यू ठेकेदार ने उन्होंने बुला बुला के उन्होंने टेंडर दिते जाते हैं उन्होंने जिन्हों का वड्डा L1 सीगा उन्होंने रिजैक्ट करके अज हुण इह जिहड़ा पार्किंग स्कैम होया अनिल शर्मा ये कोई BJP का काउंसलर सी उहदी वाइफ भी शायद काउंसलर सीगी वो बंदियां नूं तुसीं लिया के अगर तुसीं करोगे फिर उस तो बाद तुसीं ध्यान नहीं दोगे तो यही हाल होएगा। तुसीं मैं हुण तुहाडे कैमरामैन नूं कहां नज़र मराओ ये 17 सैक्टर है नीरज जी खड़े हैं बड़ा प्रोमीनेंट सैक्टर आ देख लो आ तारां नंगियां पईआं आ किन्ने देर तो है मैं देख रहा आ पिछे खुद्या पिया अगर वो उत्थे स्ट्रीट लाइट लगी है सॉरी डेकोरेटिव लाइट लगी है ढक्कन खुलिया पिया कौन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं होंदा MC का जॉब होंदा है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर नू मेंटेन भी किया जाए कोई मेंटेनेंस भी की जाए। जी तुसीं मेंटेनेंस की गल की एक बहुत वड्डा इशू है जिहड़े मुलाजम चंडीगढ़ नू मेंटेन करते हैं तुहाडे शहर नू साफ सुथरा रखने का यतन करते हैं नंगियां तारां का प्रबंध करते हैं बिजली पानी तुहाडे घरां च पहुंचाते हैं 17-18 हज़ार के करीब ठेके ते ने कई सालों तो और उन्होंने तनखाह मिलती ने 10,000-15,000 रुपया लगता नहीं भी उन्होंने लोगों का भी शोषण हो रहा जिहड़ा पंजाब चंडीगढ़ नू बचा रहे हैं। साडी चंडीगढ़ कांग्रेस की तो बिल्कुल डिमांड है कि सारे नू रेगुलराइज करना चाहिए नवीं नौकरियां कढ़निया चाहिए खास तौर पर चंडीगढ़ के नौजवान जिहड़े इत्थे आ गए चाहे वह हिमाचल चो आए हरियाणे चो आए उत्तराखंड चाहे आ के चंडीगढ़ के वस गए चंडीगढ़ के वोटर बन गए इत्थे दे आधार कार्ड बन गए उन्होंने नवीं नौकरियां देने
हुण की है ज़्यादातर कंट्रैक्चुअल या आउटसोर्सिंग की जाती है, नवी नौकरियां नहीं कढ़ी जाती, सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन पहले खत्म हो गई है। इस करके मैं समझदा कि लोगों का जो फ्यूचर है खास तौर पर यंगस्टर्स का, इतने पंजाब यूनिवर्सिटी वर्गा संस्थान है, कॉलेजेस बने हुए हैं, उत्थे पढ़न लिखन का की फायदा, इन्नी डिग्रियां लैण का की फायदा जे उन्हां नूं बच्चों कल नूं नौकरियां नहीं मिलने। ता ही ब्रेन ड्रेन हो रहा, ता ही लोग इतों पंजाब के तुसीं देखोगे मोस्टली लोग जिहड़े हैगे हैं या होर स्टेट्स के आस पास की नेबरिंग दे हैं वह सारे कोई यूरोप वल भजदा है, कोई कैनेडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है, बिकॉज दे आर नॉट गैटिंग जॉब्स हियर। ओके ओके बजाज साहब की लगता तुहानूं फ्यूचर की है चंडीगढ़ का? देखो चंडीगढ़ का जिहड़ा फ्यूचर हैगा, मैं चाहता कि इत्थे दे अफसर और इत्थे दी मैंबर पार्लीमेंट और लोकल पोलीटिकल पार्टियां सारे मिल के चंडीगढ़ के बारे सोचिए आप, और जिहड़े इत्थे दे लोग है वह भी इस तरह सोचन कि आप शहर को साफ सुथरा किस तरह रखना चाहते हैं। सारी जिम्मेवारियां आपस शेयर होनिया चाहिए, और सरकार भी यह चाहिए कि अगर कोई नए प्रोजेक्ट लिया वो लोकल लोगों जरूर इनवॉल्व करन कि जिदे नाल वो प्रोजेक्ट सक्सैसफुल होन और जड़े लोग पैसा लगे वो लगे कि लोगों के काम वास्ते आ रहा। सैक्टर 17 तो कहते भी कमाल का बना देना, किमें लगता तुम? देखो सैक्टर 17 वैसे ही बहुत कमाल है अगर इनू इन्नी चीज़ा च मेनटेन किया जाए जो ऑलरेडी हैगा। अगर इत्थे दे उपर दे जिहड़े फ्लोर हैगे है इन्हां अगर अज दी जरूरत आपां ईटिंग जॉइंट उपर जिस तरह आपां एलांटे माल च हर फ्लोर दे विच एक्स्ट्रा उत्थे शॉपिंग दिता है, इत्थे भी बिल्कुल ईजी तरीके उपर दी शॉपिंग कराई दिती अलाउड कीती जाण, ईटिंग जॉइंट दिते जाण, शह 17 नूं है जिहड़े उपर दे फ्लोर जिहड़े आपां देख रहे कोई शीशे टुटे अगर है पूरे प्रॉपर कई इत्थे रेस्टोरेंट खुल जाण या कुछ होर हो जाए तो अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगा। रही गल गौरमेंट इत्थे बहुत सुंदर बना रही है तो सुंदर बनाने दे विच सिर्फ इत्थे ज़्यादा कुछ करन दी लोड़ नहीं हैगी है, जो इत्थे चीज़ां हैगियां उन्हूं सही तरीके मेनटेन कर लैन, ट्री लगे हो लगे है इन्हां नूं मेनटेन किया हो, शाम इन्हां नूं कोई हाईलाइट किया जाए या इत्थे दे जिहड़े फ्लोर टुटे है उन्हूं मेनटेन किया जाए, या बिल्डिंगां जिहड़ियां बनिया हुई हैं उन बिल्डिंगां दे विच बाहर जिहड़े बरामदे है इन्हां नूं सानूं ग्लेजिंग करन दी इजाजत दित्ती जाए, क्योंकि अंदर इहदी जिहड़ी गंदगी हैगी है उहदे नाल सैक्टर 17 दी ब्यूटी खराब हो रही। बेटू जी एक सवाल मैं जरूर करूँगा तुहानूं, वैसे ते तिन्नां नूं करना बनदा भी चंडीगढ़ 28 पंजाबी पिंड उजाड़ के वसाया, आपां सैक्टर जिहड़ा ब्यूटीफुल सिटी है जिथे घूम रहे हैं रुड़की पिंड सी, मतलब रुड़की पिंड नूं मिद के ते ये बनाया, और पिंडां दे लोग सिर्फ इन्नी कु बेनती करदे ने भी होर ते सानूं की देना, घट्टो घट चंडीगढ़ सैक्टर 17 दे किसे दरख्त ते जिवें आ फुहारा है किते एक बोर्ड ला दित्ता जावे सैक्टर 17 दे नाल भी पिंड रुड़की, इन्ने भी नहीं तरसमदा चंडीगढ़ प्रशासन उजड़े लोगों ते? तो लोचन जी बहुत वधिया क्वेश्चन कीता है, मैं थोड़े माध्यम से एक रिक्वेस्ट करांगा सरकार नूं भी इहदा जिहड़ा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जी मैं तां कहिंदा इक उहदी इक फोटो फ्रेम करके लाउणी चाहीदी, इत्थे पहला पिंड सीगा अज इह शहर है वसिया। एक होर रिक्वेस्ट करांगा जिहड़े चंडीगढ़ दे जमपल बंदे ने शहर दे चंडीगढ़ दे, जिवें 50 साल तो मैं भी इत्थे रह रहा होर लोग है, 50% इंप्लॉयमेंट चंडीगढ़ के बंदे देनी चाहिए है, जिहड़े चंडीगढ़ के बंदे जमपल हैं, अज सिर्फ इंप्लॉयमेंट 4 या 5% चंडीगढ़ में दी जाती है। मैं चाहवागा चंडीगढ़ के बंद घट्टो घट फिक्स होना चाहिए 50% पॉपुलेशन देनी चाहिए। लेकिन जी बात 2 मिनट के सवाल ने, और आप सैक्टर 17 की गल करते हैं 34 की गल करते हैं, मैं फिर जेडे बचे 22 पिंड आऊँगा तो ही हल्लो माजरा के अंदर वड़ के देख लो, कजहेड़ी के अंदर वड़ के देख लो, किसी भी पिंड अटावे वड़ के देख लो, लगता यह है भी बहुत किसे आपां पछड़े पिंड च आ गए हैं। की गल वो चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं कि वो ब्यूटीफुल सिटी का हिस्सा नहीं? तरलोचन जी मेरे मूँह की गल खोली, आज 4-5 दिन पहला मैं मौली जगरा पिंड दे विच एक मीटिंग रखी सी, उत्थे एक ब्लड डोनेशन कैंप सी, उत्थे गया। 2 दिन पहला मैं रायपुर खुर्द जिहड़ा एयरपोर्ट के सामने जिहड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप नूं पुराना जिहड़ा सीगा और बाद च होया, और तुसीं ये देखो कहिंदे ना चिराग तले अंधेरा, बिल्कुल एयरपोर्ट के नाल 100 मीटर की दूरी का पिंड है, और टुटिया पिया सी गलियां, किचड़ होया हुआ सीगा, बारिश पहले 5-7-10 दिन पहला बारिश हुई, मैंने उन्होंने पहले प्रोग्राम कैंसल किया कि जी पिंड च नहाना गड्डी नहीं अंदर वड़ेगी क्योंकि इन्ना किचड़ होया हुआ, पहला पक्कियां गलियां बनी हुई सी, पेवर ब्लॉक लगे सी, कितने कंक्रीट बनया सीगा, हुण इन्होंने तोड़ता जी असी सीवरेज की पाइप पानी है या पानी की पाइप पानी है, मन लिया पानी है, 6-6 महीने हो गए तुसी कट्ठे 22-22 पिंडां च काम शुरू, अपना बचाव ना करो, ये कांग्रेस भी जिम्मेवार, किसी भी पिंड जाके तुसी नक्शा देखो
मतलब भी चंडीगढ़ ते पिंड दे जमीन आसमान दा फर्क। मैं तुहानू दसदा कांग्रेस पार्टी सी इंदिरा गांधी सीगे जिहड़े प्रधानमंत्री जिन्हां ने 22 पिंड बचाए चंडीगढ़ दे, उस समय सारे पिंडां नू अंदर लैण लगे सी। उस टाइम जब पिंडां वालिया ने एक मंग रखी, इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, यह 22 पिंड बचने चाहिए। और मैं तुहाडी गल नाल भी सहमत हाँ, जिहड़ी तुसीं पहले कही कि भी पुराना पिंड रुड़की है, लेक दा सीगा पुराना पिंड सीगा, जिन्हें पिंड है उन्हां दे छोटी एक फोटोग्राफ जिवें वीर बिट्टू जी ने भी कहा एक तुसीं फ्रेम करा के उत्थे एक जगह ते, चाहे उत्थे विच जिहड़ा सेंटर दा पीपल दा पेड़ है, किते भी तुसीं लाओ पंजाबी भी लिखो उत्थे, क्योंकि माँ बोली पंजाबी है। लोग बहुत पिंडां दे विच कहिंदे आ भी यार जिवें हिंदी च बोर्ड्स हैं, इंग्लिश दे बोर्ड्स हैं, पंजाबी नूं भी प्रमोट करना चाहिए। सो ये सारे मसले तुहाडे बिल्कुल ठीक है, एक इंटरव्यू च सारे जिहड़े मसले पूरे नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करदा कि दुबारा तुसीं इन्हां मसलियां नूं चक्कोगे, कि दुबारा इंटरव्यू रखोगे नीरज जी वर्गे, बिट्टू जी वर्गे, होर जिहड़े पतवंते सज्जन है शहर दे नाल जुड़े हुए ने, इत्थे दे जमपल ने या इत्थे आ के वस गए, इत्थे आ के उन्होंने अपने बिजनेसिस कीते या अपनी फैक्ट्रीज लाइया या अपना कामकार कीता, उस सारे व्यू पॉइंट्स लैके एक निचोड़ कढोगे, जरूर करा। सारे चाहते हैं कि चंडीगढ़ शहर जो है सोहना शहर बने, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर हैं, असी सारे चंडीगढ़ साडे सारे की आत्मा वसदी है, और असी चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल सिटी जो कि हम सिटी ऑफुल कहना चले, जिमें इन्होंने कहा ना वो चलान पुलिस बनती जाती है, CP जी है वो हम चलान पुलिस कहते हैं, उदा ही सिटी ब्यूटीफुल सिटी ऑफुल लोग कहना शुरू हो गए हैं, वो दोबारा तो सिटी ब्यूटीफुल लोग इनू कह लोग। चंडीगढ़ का जिक्र हर एक देश के शहर के चंडीगढ़ जाके एक बार जरूर देख के आना, उस तरह की खूबसूरती असं चाहते हैं। और मैं तुहानू तुहाडे चैनल तक कमिटमेंट करदा, आ सारे दोनों मेरे वीर बैठे ने और भी पोलीटिकल पार्टीज़ नाल, जिथे तक चंडीगढ़ की डेवलपमेंट का सवाल आएगा असं कोई राजनीति नहीं करांगे, असं उन्हां दे नाल मिल के चलांगे और इस शहर को खूबसूरत बनाने। चंगी गल नीरज जी, जिवें कहा जाता भी सिंधी स्वीट के लड्डू जड़े आ, गुलाब जामुन जड़े आ, मिठास तो वह स्वाद होर कितने नहीं। कोई चंडीगढ़ के व्यापारी तबका कोई इदा का कोई प्रोग्राम प्लान बना रहा भी कोई इदा की खिचवी गल की जाए भी दुनिया भर के सैलानी जड़े ने वो कह भी चंडीगढ़ एक बार जरूर जाना? देखो चंडीगढ़ विच मैं पहले भी कह चुका कि अगर इतने गौरमेंट साढ़े नाल सपोर्ट करे, मान लो जिस तरह रोज़ फैसटिवल लगता, उन्होंने रोज़ फैसटिवल कन्वर्ट करके तुसी नाल शॉपिंग फैसटिवल कर दो, कि रोज़ फैसटिवल दोपहर में है सिर्फ, अगर शाम नू करना तुसी उन्हों सैक्टर 17 नाल जोड़ दो, तो इस तरीके की अगर प्लानिंग दे नाल गवर्नमेंट नाल करती रहेगी, और जिस वेले शहर जिहड़ा भी शहर शॉपिंग कल्चर च वधेगा, फूड कल्चर च वधेगा, वो शहर सुंदर बनेगा ही बनेगा, और उहदे नाल उत्थे रोज़गार वधेगा, रोज़गार वधेगा जिस तरह तुसी पिंडां च किया, जिहड़े लोग उत्थे रहणगे उहनां नू जिस वेले अच्छी रोज़गार मिलेगी उत्थे भी साफ सफाई वधेगी, तो सारी चीज़ें जड़ी है शहर के जिन्ना बिजनेस वधेगा, जिन्हें लोगों का इतने रोज़गार वधेगा, उन्नी इतने सफाई वधेगी, उन्ना इतने सिस्टम साफ होएगा। मेहरबानी जी। सो तुसीं बजाज जी, लक्की जी ते बिट्टू हुणा नूं सुणिया, और गल नित्तर के यही सामने आई है भी ब्यूटीफुल सिटी जिहड़ा चंडीगढ़ है, भावें इत्थे बहुत खूबसूरत बड़ा कुछ देखने लिए और दुनिया भर के लोग आते हैं, पर जे इत्थों का प्रशासन, इत्थों का निगम, इतों के लोगों, इतों के प्रतिनिधा नाल मिल के कोई प्रोग्राम बना, चंडीगढ़ सच्ची मुची ब्यूटीफुल बनाया जा सकता।